मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं मंदिर, आज है डे टू फंक्शन का मंदिर के। तो आज हम देखो, मैंने फूल भी लिया है, आज हम फूल चढ़ाएंगे वहाँ पे। तो अपने घर का ही फूल है, हमारे यहाँ पे ही लगे हुए हैं, तो जल्दी से चलते हैं। तो गाइस अभी हम मंदिर पहुँच चुके हैं और आरती का भी टाइम हो चुका है, तो जल्दी से चलते हैं हम अंदर। Later that same evening. So guys, अभी हो चुकी है रात और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। अभी शायद से आरती होगी और आरती होगी तो फिर अब आरती का भी दिखाऊंगा और आज हम वही रहेंगे। तो और ये देखो, भाई तो पूरा अपना सामान लेकर जा चुका है और हमारे साथ आपके हमारा एक और भाई भी है। तो आज हम फुल मस्ती करने वाले भाई साहब, मजा आ जाएगा। मैं दोपहर को आके सो गया था तो मैं इतना व्लॉग नहीं कर पाया, तो बाकी मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा आगेगा, बस फ्लैश दिख रही है। तो मैं इनके सारे ही चला हुआ, कोई बात नहीं, अभी हम जल्दी चलते हैं मंदिर, फिर दिखाते हैं आपको। और गाइज मेरा जो सोने का सामान है वो पार्थ भैया लेकर आएंगे, अभी वो घर पे ही हैं, वो आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो वो ले आएंगे सोने का सामान और ये एक साथ सोएंगे, तो मजा आ जाएगा आज तो भाई साहब, बहुत ही मजा आता है इन फंक्शंस में। तो आप देखना, सारे लोग मिस मत करना। सो गाइज अभी हम मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं, ये देखो यहाँ पे मंदिर है, तो शायद से आरती हो चुकी है, तो अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। अगर आरती हो चुकी है तो यार कोई बात नहीं, हम लेट हो गए हैं, तो चलो देखते हैं जाके, शायद से हो चुकी है शायद से। तो गाइज अभी हमको पता चला कि आरती नहीं हुई है, अभी आरती होती है, तो चलो आरती का भी दिखाते हैं आपको। शुक्र है अभी आरती नहीं हुई, हम लेट नहीं है। अभी आरती हो चुकी है, मैंने आपको दिखाई आरती, हम लेट नहीं हुए। और मैं एक मेन चीज, इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो परु है ये ढोल बजाता है, इसको आप ढोल वाला मत समझना, कहीं आप ढोल वाला कमेंट करने लग जाओ, ये ढोल वाला नहीं है, यहाँ पे कोई भी बजा लेता है जिसको ढोल बजाने आता है, मतलब जो धुनिये बजाते हैं वो वाली धुनिया, अगर जिसको बजाने आती है वो बजा लेता है, तो ये बजाता है। मैंने भी एक बार बजाई थी पिछले साल, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, उसके बाद नहीं बजाई मैंने, तो बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसको आता है। सो गाइज अभी ना सारे सो चुके हैं मंदिर के अंदर, गेट भी बंद हो चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर लोग कैसे कैसे सो रहे हैं अंदर। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस आपको दिखाता हूँ, चलो। देखा आपने अंदर कैसे सो रहे हैं, तो अभी तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि सब सो रहे हैं, तो किसी को डिस्टर्ब ना हो, अंदर सब अभी सो रहे हैं और मैं भी बस सोने ही जा रहा हूँ, गुड नाइट गाइज। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं ये वाले व्लॉग्स इसलिए डाल रहा हूँ डेली के डेली, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से बहुत सारे जो हैं वो बाबा जी के भक्त हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी दर्शन हो जाए, तो इस वजह से मैं व्लॉग्स डाल रहा हूँ इसके, इस वजह से। तो बस आप भी पूरा सपोर्ट करो और मेरे सब्सक्राइबर्स कराओ, 300 सब्सक्राइबर्स कराओ जल्दी से जल्दी। तो अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ सोने, तो मिलते हैं फिर कल सुबह। सो हे गाइस, अभी सुबह हो चुकी है, अभी सब उठ चुके हैं
और सब अंदर से सब जा चुके हैं घर पे, तो अभी हम भी जा रहे हैं घर पे, भी फ्रेश वगैरह होएंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे आरती के टाइम पे। तो चलो अभी हम घर जाते हैं, फिर उसके बाद आएंगे। बाकी तो मौसम देखो कुछ ऐसा सा हो रहा है, और सारे में फॉग ही फॉग है, और बहुत ज्यादा बारिश हुई थी रात को, तो सारा गीला गीली है घास। So guys, अभी मैं घर से नीचे आ चुका हूँ, हम पूरे रेडी हो चुके हैं, फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, सब कुछ एकदम तैयार है। तो अभी मैं मंदिर नहीं जा रहा, अभी हम जा रहे हैं परोर जगह का नाम है, वहाँ पे जा रहे हैं हम। वहाँ पे पापा के मामा का घर है, तो वहाँ पे कुछ काम है पापा को, तो वहाँ पे जा रहे हैं। और मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे बहुत सारे कजन्स रहते हैं, और बहुत सारे कजन्स आए भी हुए हैं वहाँ पे, तो बस इस वजह से मैं जा रहा हूँ। मस्ती होएगी फुल, मतलब मजा इंटू 100 हो जाएगा, इतने सारे भाई भाई होंगे। तो चलो जल्दी से चलते हैं। चुके हैं परोर, ये देखो पीछे परोर का ग्राउंड भी है, और अभी हम पीछे पापा गए हैं केले लेने के लिए, और मतलब फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए गए हैं। और ऊपर ना वो देखो, वो ना स्कूल है, उस स्कूल में पापा पढ़े हुए हैं, उस स्कूल से पढ़े हैं पापा, वो ऊपर एक स्कूल है, और यहाँ पे नीचे ग्राउंड है, यहाँ पे मेले भी लगते हैं बहुत बड़े बड़े कहते। सो गाइस अभी देखो पीछे यहाँ पे फ्रूट्स तो आ चुके हैं, अभी पापा गए हैं जूस बनवाने, तो जूस पियेंगे अभी हम, तो बस आ ही जाएगा थोड़ी देर में, गन्ने का जूस पियेंगे। सो गाइस अभी हमारा गन्ने का जूस आ चुका है, तो चीयर्स, मस्त गन्ने का जूस पियेंगे। अरे मास्क तो उठाया नहीं। भाई साहब जूस तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो रहा है, मैं आपको पीने के बाद मिलता हूँ। तो भाई जूस तो पी लिया है, और आपको जूस कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मस्त। मेरे को भी बहुत ज्यादा मस्त लगा भाई साहब जूस, गन्ने का जूस मजा आ गया पी के। तो अभी तो फिलहाल हम जा रहे हैं ऊपर, तो जल्दी से हम ऊपर चलते हैं उनके घर पे। सो गाइस फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ घर पे, और जैसे कि मैंने बोला था बहुत सारे कजिन्स हैं, कुछ यहाँ पे हैं और कुछ यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या काम चल रहा है, यहाँ पे ना लेंटर डल रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं सारे इकट्ठे हुए हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अभी। सो गाइस ये देखो पीछे ये चाचू का घर बन रहा है, ये भी चाचू का घर है, दूसरे चाचू का घर बन रहा है, इसमें लेंटर डल रहा है, तो इसके लिए आज हम आए हैं यहाँ पे, तो सारे इकट्ठे होते हैं। वो देखो वहाँ पे ऐसे लेंटर डलेगा अभी पीछे, और शाम तक लेंटर डल जाएगा, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कैसा डल चुका है। और अभी तो देखो फिलहाल सारे में सेंटरिंग कर दिया, अभी इसमें लेंटर डलेगा। ये देखो ये सारे मिलके पहले यहाँ पे पूजा करेंगे, फिर उसके बाद ही लेंटर डलेगा। अभी वहाँ पे बाहर खाना खिलाया जा रहा है सबको, पहाड़ी धाम खिलाई जा रही है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अभी मैं नहीं खा रहा, अभी तो सारे खा रहे हैं जितने भी बाकी गेस्ट आए हैं, तो मैंने अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे खा रहे हैं। सो गाइज इसके बाद मैं भी खाने बैठ गया था, कांगड़ी धाम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही थी, और इसको हाथ से खाते हैं, तो मैं भी इसको हाथ से खा रहा था। सो
गाइस अभी अपने खाना खा लिया है, मैं और सबमू अभी आगे आया सी साइकिल लेके साइकिल चलाने, और कांगड़ी धाम तो बहुत ज्यादा टेस्टी थी और हम हाथ से खाते हैं, तो अभी तो ऐसे हम साइकिल चला रहे हैं। तो गाइस ये देखो अभी मैं साइकिल चलाते चलाते वीडियो बना रहा हूँ, एकदम मस्त। तो गाइस अब इसकी साइकिल भी ना अलग सी है देखो। गाइस रुको जरा दो मिनट, मैंने ट्राइपॉड लेकर आता हूँ, फिर ट्राइपॉड से पकड़ के सही बन जाएगी एकदम वीडियो, या फिर यहाँ पे लगा भी सकते हैं, तो ट्राइपॉड लेकर आता हूँ, दो मिनट रुको। A few moments later. So guys, अभी हमने साइकिल से लगा दिया ट्राइपॉड आगे, तो अभी हम दोनों बैठे हैं मस्त एकदम। शायद थोड़ा सा टेढ़ा लगा है क्योंकि यार ऐसा ही लग रहा है, थोड़ा सीधा नहीं हो रहा, अभी कोशिश करेंगे। और भाई सब क्या हवा आ रही है एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा, बहुत मजा आ रहा है। So guys, अभी मैंने कैमरा पीछे सम्मू को पकड़ा है और हम ऐसे साइकिल चला रहे हैं, बस आपको दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे कैमरा वगैरह पकड़ा रखा है। और इस तरफ भाई साहब पूरा पानी है, अभी बारिश होकर हटी है तो पूरा पानी पानी हो गया है, और कैमरा थोड़ा बहुत हिल रहा होगा क्योंकि गड्ढे हैं, और साइकिल भी है थोड़ी पुरानी सी है, तो इस वजह से इसकी ब्रेक देखो कैसी है, ये देखो ऊपर से ऐसे लगती है इसकी ब्रेक। गाइस इसी वजह से मैं यहाँ पर आया था, यहाँ पे मेरे बहुत सारे कजन है, सबके साथ मजा आता है, खूब मजे करते हैं हम। तो अभी तो फिलहाल मैं साइकिल इंजॉय कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपको, आपको थोड़े से शॉर्ट्स भी दिखाए मैंने। A few moments later. यहाँ पे सारी लड़ाई कर रहे हैं, और लड़कियाँ लड़कों को बहुत ज्यादा मार रही हैं। प्रियदर्शनी से कोचिंग लेकर आई है ये लड़कियाँ। अच्छा हमको गाइस अभी बज रहे हैं 7 शाम के, और देखो सारा लेंटर कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तो बहुत ही बढ़िया काम है। सो गाइस अभी मैं और आशु भैया जा रहे हैं एक जगह, वहाँ पे व्यू है बहुत अच्छा, आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पर हम वैसे ही थोड़ी देर व्यू देखने जा रहे हैं, तो आपको भी मैं वहाँ पे लेकर चलता हूँ, वहीं पे मैं ब्लॉक पॉइंट कर दूंगा, तो चलो देखते हैं। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं व्यू पे, और ये पीछे आशु भैया बैठे हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखो मस्त बेंच लगा रखे हैं व्यू देखने के लिए सिर्फ, वो देखो वहाँ पे देखो नदी भी है आगे, वहाँ पे है वो देखो नदी दिख रही है, और यहाँ से पूरा एकदम मस्त व्यू आता है, यहाँ पे बैठ के हम पूरा व्यू इंजॉय कर सकते हैं ऐसे शाम के टाइम पे, अभी शाम हो रही है तो यहाँ पे हम ऐसे व्यू इंजॉय करने आए हैं थोड़ी देर। वो देखो गाइस वहाँ पे देखो नदी दिख रही है, और यहाँ पे आवाज भी आ रही है नदी की, पता नहीं कैमरे में आ रही है कि नहीं, वो देखो वो रही नदी, ये पूरी नदी यहाँ से ऐसे 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 वो ऊपर से आ रही है बहुत ऊपर से, तो ये नदी मतलब बहुत ठंडा पानी होता है। सो गाइस इसी व्यू के साथ, ऑसम व्यू के साथ हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड, पसंद आए तो जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारे ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। 300 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज्यादा करीब हैं, तो आप करा दो, आपके लिए वो कुछ भी नहीं है जितना भी नंबर है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कराओ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने ना पीछे देखो ऐसे गत्तों से घर बना रखा है, और इसकी एंट्री भी बहुत अच्छी, देखो यहाँ से एकदम अच्छी सी एंट्री बना रखी है, तो अभी हम अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से ऐसे एंट्रेंस है इसकी, ऐसे अंदर जाते हैं, और अंदर देखो सारे बैठ रखे हैं। हेलो गाइस, ये देखो यहाँ पे सब मस्ती कर रहे हैं, ये देखो अपनी शक्ल छुपा रहा है क्योंकि इसकी शक्ल अच्छी नहीं है ना, इस वजह से ब्लॉग खराब हो जाएगा।